subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस के एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. सो लेट्स स्टार्ट विद द बीकर चार्ट, मंथली चार्ट. लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस बंद हुआ है 555.6, लगभग 28 रुपए ऊपर. 5% प्लस के हमने गेन देखे हैं. मंथली चार्ट पे देखोगे आप तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़ा सा रिकवरी आना शुरू हो चुका है. तो ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है. इंडिकेटर वाइज जो है तो मोमेंटम लॉन्ग साइड दिख रहा है ऑन चार्ट. और ऊपर फिर से हम जो है तो 620 या ऊपर, उसके ऊपर के भी लेवल जो है तो टेस्ट कर सकते हैं. मंथली चार्ट पे जो है तो करंटली हमें अपसाइड दिखती है नेचुरल गैस में. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है एक अच्छे खासे बुल रन देखा है नेचुरल गैस में. और लगभग हमने रिकॉर्ड हाई लेवल देखे थे 750 के. वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद हमने 50 वीक के एवरेजेस के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ जो है तो नेचुरल गैस फिर से बाउंस बैक कर रहा है. तो ऊपर जो है तो ऊपर 620 और 650 के रेजिस्टेंस लेवल है, वो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं एज पर वीकली चार्ट. ऑन डाउन साइड 505 रुपये का मेजर सपोर्ट जोन रहेगा. और उसके बाद में जो है तो 490 का भी सपोर्ट है, जो 20 वीक का एवरेज है. तो वीकली चार्ट पे भी नेचुरल गैस बुलिश लग रहा है. और यहाँ 625 से लेकर 650 के लेवल जो है तो शॉर्ट टर्म में आपको, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं. अभी देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो है तो हमने 200 डेज का जो एवरेज है वहाँ सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग दिखाया है. तो यहाँ आपको देखना होगा कि मार्केट जो है तो 650 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं. अगर मार्केट 550 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तो आपको यहाँ से जो है तो एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा. अभी इंडिकेटर वाइज जो है तो प्राइजेस ओवरबॉट जोन में जा चुकी है और ये ओवरबॉट जोन में भी रैली कर सकती है. जो रैली आएगी वो शॉर्ट शार्प और शॉर्ट रहेगी, शॉर्ट कवरिंग की रैली रहेगी. तो अगर मार्केट 550 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको जो है तो 625-660 के लेवल जो है तो शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं. अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो आपको जो है तो फिर से निचले लेवल जो है तो मार्केट में आते हुए दिखेंगे, तो 450 और उसके बाद में जो है तो 350 के टारगेट भी नेचुरल गैस दिखा सकता है. करंटली हम शॉर्ट टर्म में मेक और ब्रेक लेवल पे खड़े हैं. 550 के ऊपर जो है तो आपको 625 और 660 के लेवल जो है तो नेचुरल गैस दिखा सकता है. अगर हम 550 के नीचे सस्टेन करते हैं तो आपको जो है तो फिर से एक फ्रेश बिकवाली आते हुए दिखेगी नेचुरल गैस में, जो इसको 450 और 350 के लेवल की तरफ लेकर जा सकती है. तो शॉर्ट टर्म में यहाँ वेट एंड वॉच है. अगर आपको 550 के ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग करना है, टारगेट रहेंगे 625-660. अगर 550 के नीचे स्लिप करता है तो आपको शॉर्ट करना है, आपके टारगेट रहेंगे 450 से लेकर 350 रुपीज़ के इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म. डेली चार्ट पे हमने देखा मेक और ब्रेक लेवल है. वीकली चार्ट पे मोमेंटम जो है तो लॉन्ग साइड पे है और ऊपर के लेवल आने की ज़्यादा संभावना है. मंथली चार्ट पे भी जो है तो यहाँ से एक बाउंस बैक दिख रहा है और मोस्टली ऊपर के जो 625-660 के लेवल जो है तो नेचुरल गैस फिर से दिखा सकता है एज पर मंथली चार्ट. मगर आपको जो डिसीजन लेना है वो डेली चार्ट को देख कर लेना है. तो यहाँ मेक और ब्रेक लेवल पे 550 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 660 तक अपसाइड दिखेगी. अगर यहाँ से सेल ऑफ आता है तो आपको जो है तो फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा प्राइजेस में, जिसके टारगेट रहेंगे 450 से लेकर 350 रुपीज़ के. सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको शोर शॉर्ट कमोडिटी कॉल चाहिए तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.